आप सभी प्रिय दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय एयरटेल के स्टॉक के बारे में। कंपनी का फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग करके बताएंगे कि इसका बिजनेस मॉडल क्या है और आगे की आउटलुक कैसी लग रही है कंपनी की। साथ ही साथ में कुछ की पैरामीटर्स, ऑपरेशन पैरामीटर्स का स्टडी किया जाएगा और देखा जाएगा कि इन पैरामीटर्स पर कंपनी कैसी खरी उतरती है। इसके अलावा फ्यूचर का आउटलुक देखेंगे और कंपटीशन का एनालिसिस करेंगे टेलीकॉम सेक्टर में भारतीय एयरटेल के लिए, और दूसरे कंपनी का भी पैरामीटर देखा जाएगा। उसके बाद में हम अपना वैल्यूएशन के बेसिस पर आपको रिकमेंड करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, किस लेवल पर। आइए चलकर शुरुआत करते हैं सबसे पहले भारतीय एयरटेल की कुछ बेसिक बिजनेस अंडरस्टैंडिंग से। इस वीडियो को तीन सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला सेक्शन है बिजनेस एक्सपर्टीज के बारे में, इनकी हम बात करेंगे यहाँ पर। तो अगर सबसे पहले देखा जाए बिजनेस एक्सपर्टीज में, तो इनका बिजनेस काफी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। पोस्ट इनका प्रीपेड कनेक्शन से सबसे ज्यादा रिवेन्यू आता है ओवरऑल देखा जाए तो। पोस्ट पेड में भी काफी अच्छा काम करते हैं और काफी अच्छे कस्टमर बेस है इनके पास में। इन्होंने ब्रॉडबैंड सर्विस भी प्रोवाइड की हुई है, काफी अर्बन एरिया में बहुत बढ़िया काम हो रहा है इनका। डायरेक्ट टू होम आपको पता ही होगा एयरटेल का रहता है, हर जगह पर इनके एयरटेल के डिश लगे रहेंगे। और साथ में इन्होंने अब नई फैसिलिटी शुरू की है एयरटेल मनी के रेफरेंस में, तो एक बैंक की तरह से भी आप इसको काम कर सकते हैं आपस में ट्रांसफर करने के लिए, स्पेशली अगर आप साउथ अफ्रीका जैसी कंट्रीज में काम करते हैं। इनका ऑपरेशन जो है इंडिया में ही नहीं बल्कि बाहर की कंट्री में भी है, और साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा ऑपरेशन के रेफरेंस में अपना काम चलाते हैं ये लोग। अब अगर की पैरामीटर देखे जाए इसकी, आगे आने वाले समय में डिमांड जो है बहुत बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी क्यों? क्योंकि देखिए 5G की जैसे ही स्टार्टिंग होगा तो 5G के आते ही मार्केट में एक तहलका आ जाना चाहिए। क्यों? 5G से अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ है। आपको हम बताते हैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर, जब भी हम बाहर जाते हैं तो वहाँ पर अगर आप 5G नेटवर्क पर हैं तो 3 मिनट में आपकी पूरी मूवी डाउनलोड हो जाती है। तो 2 घंटे की मूवी आप 3 मिनट में ऑन द नेटवर्क डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फंक्शनैलिटी रहता है जिसके थ्रू आगे की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी। क्यों? इससे फिर रिवेन्यू और ज़्यादा बढ़ने की चांसेस रहेंगे इनके लिए। मार्केट कैप, अगर मार्केट कैप को देखना है तो देख समझना पड़ेगा कि मार्केट में क्या मैनिपुलेशन हो सकता है ऑपरेटर के द्वारा। तो देखिए मार्केट कैप की दृष्टि से ये बहुत बड़ी कंपनी है, 246,000 करोड़ की कंपनी है, तो छोटे ऑपरेटर इसमें ज़्यादा मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको मार्केट कैप जरूर देखना होता है। लार्ज कैप कंपनी है तो आप आराम से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के बेसिस पर। तो अब अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखा जाए, पीई रेशियो के बारे में बात किया जाए और कंपनी और इंडस्ट्री के बारे में देखा जाएगा कंपेरिजन करके, क्योंकि इसका पिछले कई क्वार्टर से रिजल्ट में कोई प्रॉफिट नहीं था, तो रिलेटिवली हमने इसका एवरेज ऑफ लास्ट 10 ईयर्स का यूज़ किया है कंपनी का रेफरेंस में। तो 44 के आसपास इसका पीई है पिछले 10 सालों का एवरेज करके देखा जाए, जहाँ पर डाटा अवेलेबल है पॉजिटिव रेफरेंस में। वहीं पे इंडस्ट्री का जो पीई है वो करीब करीब 125 के आसपास है। तो दोनों में बहुत ज़्यादा गैप है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है इंडस्ट्री का पीई और कंपनी का पीई थोड़ा कम है। तो इसको गैप को हमारे अलग अलग एनालिस्ट का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जो हमारा थ्योरी है उसके बेसिस पर, जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है स्टॉक मार्केट के रेफरेंस में, जो रेशियो का डिफरेंस होना चाहिए इंडस्ट्री के साथ में वो इतना वाइड नहीं होना चाहिए, ना तो ऊपर होना चाहिए ना ज़्यादा नीचे होना चाहिए, एक रेंज में होना चाहिए इंडस्ट्री के साथ में। तो अब इतना बड़ा गैप है, इसको फिल करने के लिए या तो इंडस्ट्री का पीई को नीचे आना पड़ेगा या फिर एयरटेल का पीई को ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बात है, थोड़ा सा वहाँ पर एक पॉइंट टू बी नोटेड कह सकते हैं। अब की ऑपरेशनल पैरामीटर की बात करेंगे, आपको मालूम ही है क्वार्टर रिजल्ट आ चुके हैं, तो उसके चलते हुए इनकी जो सेल्स है कंसिस्टेंटली बढ़ रही है। अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 21,000 करोड़ की बजाय 25,000 करोड़ हो गई, जो कि बहुत अच्छा साइन है। ओवरऑल एक साल में करीब करीब 20% की ग्रोथ दिखाई है सेल्स में, अच्छा रिजल्ट कहेंगे उसको। टोटल इनकम भी उसी रेशियो में अप्रॉक्सीमेटली बढ़ी है। और अगर एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो एक्सपेंडिचर वो कंट्रोल कर रहे हैं, साल के डिफरेंस में देखा जाए तो 50,000 करोड़ के आसपास है इनका, अभी यहाँ पर 21,000 करोड़ हो गया, तो 60% का रिडक्शन है ईयर ऑन ईयर एक्सपेंडिचर में। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट किया है, 32,000 करोड़ से 21,000 करोड़ का रिडक्शन किया है, जो कि एक बहुत बढ़िया साइन माना जाएगा रिजल्ट के रेफरेंस में। अब इंटरेस्ट की बात की जाए तो इंटरेस्ट के पैरामीटर पर ये थोड़ा सा इनको कंट्रोल करना है, डेप्ट को रिस्ट्रक्चर करना होगा या फिर लोअर लोन प्रोविजन करना होगा, ताकि इनका ये इंटरेस्ट ठीक हो सके जो इतना ज़्यादा पे करना पड़ता है इनको इंटरेस्ट,
वरना प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी इनकी। तो अब इसके चलते हुए इनका जो पहली बार क्वार्टर में, पिछले पाँच क्वार्टर में प्रॉफिटेबिलिटी बनी है, 8 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, कंपेयर टू अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो 23,000 करोड़ के नुकसान के कंपैरिजन में। और पिछले क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए तो यहाँ पर आपका 15,000 करोड़ का नुकसान था पिछले क्वार्टर में, इस क्वार्टर में 8,000 करोड़ का फायदा है। और आगे जो AGR का रूलिंग आया है उसके बेसिस पर भी ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अब AGR ने क्लियर कर दिया है कोर्ट ने कि आप 10 साल ले सकते हैं इसको वापस पे करने के लिए। तो ये एक बहुत बढ़िया आउटकम रहेगा आगे कंपनी के रिटर्न और रिजल्ट्स पैरामीटर को वैलिडेट करने के लिए। अब अगर सेक्शन 2 में चलते हैं हम, यहाँ पर ये बहुत बढ़िया लेवल है इस लेवल पर बाय करने के रेफरेंस में। कैसे कह रहे हैं, हम ज़्यादा इसमें टेक्निकल एनालिसिस नहीं करेंगे, सिर्फ एक चार्ट आपको दिखाएंगे। तो अगर देखें कोविड का लो जो बना था 360 के आसपास बना था, उसके बाद ये 600 तक चला गया था, पर फिर वहाँ से फॉल डाउन शुरू हुआ और एक डाउनवर्ड चैनल गया था। अभी लग रहा है कि चैनल को इसने उस डाउनवर्ड चैनल को ब्रेकआउट कर दिया है यहाँ पर, और कल ये करीब करीब 490 तक भी चला गया था रिजल्ट आने के बाद में। MACD ने ऑलरेडी पिछले 15 दिनों से इसको एक बाई सिग्नल जनरेट किया हुआ है, तो आपको ये पैरामीटर अपने चार्ट पर जरूर लगाना चाहिए। और गैप बढ़ रहा है यहाँ पर MACD के रेफरेंस में, तो अच्छा टेक्निकल भी अच्छा इंडिकेशन दिखा रहा है। ऐसा हमने, जैसा हमने बताया, टेक्निकल स्टडी यहाँ पर नहीं करेंगे ज़्यादा, फंडामेंटल वैल्यूएशन का वीडियो रहेगा ये ज़्यादा। लॉन्ग टर्म की बेट जो है टेलीकॉम सेक्टर में बहुत बढ़िया है हमारे हिसाब से। आगे आने वाला समय रेवेन्यू बढ़ेगा, इनकी डिमांड बढ़ेगी 5G के चलते हुए, तो उस हिसाब से बढ़िया बेट हो सकती है अगर आप इसमें करना चाहते हैं इन्वेस्ट। तो अब अगर इनकी शेयर होल्डिंग की पैटर्न देखा जाए तो सबसे बड़ा जो स्टैक है वो है प्रमोटर के पास में करीब 56% के आसपास। जनरली देखा जाए 70% तक होता है कुछ कंपनीज में, पर यहाँ पर 56% है वो समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी कॉस्ट रहता है। दूसरा जो सबसे मेजर है होल्डिंग है वो है FII का, जिनके पास 17% की होल्डिंग है। तो इसके अलावा इनका डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा है, क्योंकि देखिए प्रमोटर के बाद में जो सबसे बड़ा है 17% ही है, कोई इतना नहीं है कि 50% के बाद में एकदम सीधा 25% या 30% हो गया है। म्यूचुअल फंड ने अच्छी होल्डिंग की हुई है, DII ने अच्छी होल्डिंग की हुई है, रिटेल ने अच्छी होल्डिंग की हुई है। तो होल्डिंग की दृष्टि से ये काफ़ी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है इसका स्टॉक में। प्रमोटर की होल्डिंग देखी जाए तो देखिए अगर डिटेल देखनी है तो देख सकते हैं म्यूचुअल फंड के पास करीब 14% के आसपास होल्डिंग म्यूचुअल फंड ने भी की हुई है। और ये डेफिनेटली अनडाउटली इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट नेटवर्क है। हो सकता है जियो में आपको सब लोग कॉल करने की कोशिश करें, आपके पास नेटवर्क होने के बाद भी आपको सिग्नल नहीं मिलेगा और आपके पास कॉल नहीं आएगी। इंडिया में एज पर ट्राई डाटा वन ऑफ द बेस्ट नेटवर्क कवरेज है एयरटेल का। रूरल एरिया में अभी भी हमारे 56% के आसपास टेली डेंसिटी है, तो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है इस सेक्टर में इन जनरल और एयरटेल में इन पर्टिकुलर, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी रेंज अप्रोच रहती है। अब अगर कस्टमर देखे जाए बाय कंपनी तो जियो डेफिनेटली एक लीड लेके रखा हुआ है, 35% के आसपास कस्टमर ट्रायल के डाटा के अकॉर्डिंगली जियो के पास है। एयरटेल के पास महज 28% और वोडाफोन के पास इवन कम 26% के आसपास। ये तीन मेजर प्लेयर हैं और अदर्स करीब 11% के आसपास आते हैं। पर एक चीज़ समझ में नहीं आई, जब जियो के पास इतने ज़्यादा कस्टमर है, क्या सारे के सारे कस्टमर रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जो आपको समझना होता है, और उसका आंसर है नहीं। यहाँ पर देखेंगे जियो के पास केवल 78% कस्टमर जो है वो उनके एक्टिव कस्टमर है जो रिवेन्यू जनरेट करते हैं। एयरटेल का देखिए स्टैगरिंग 97% कस्टमर रिवेन्यू जनरेट करते हैं। जो क्वालिटी ऑफ द कस्टमर है वो एयरटेल में बहुत बढ़िया है इस हिसाब से देखा जाए। वोडाफोन में भी करीब 89% के आसपास है यहाँ पर। तो जियो इस मामले में सबसे बैड पैरामीटर है अगर देखा जाए। तो अब इस डाटा को एनालाइज करके अगर आपको प्रेजेंटेशन दिया जाए कि कहाँ पर इसका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है एक्टिव कस्टमर का, तो 27% जियो, और एयरटेल भी ऑलमोस्ट चोटी की टक्कर दे रहा है, 27% है यहाँ पर। वहीं पे वोडाफोन आइडिया करीब करीब 23% के आसपास है। तो ये बहुत अच्छा पैरामीटर दिख रहा है एयरटेल के रेफरेंस में अगर इस हिसाब से देखा जाए। पोस्टपेड प्लान के रेफरेंस में देखा जाए तो वोडाफोन डोमिनेंट कर रहा है डेफिनेटली, एयरटेल के पास 28% और ऑल अदर मिलाकर करीब 30%। तो एयरटेल ने काफ़ी अच्छी पाई ली हुई है अपने पोस्टपेड सेक्शन में भी। अब चलते हैं थर्ड सेक्शन में जहां हम बात करेंगे आगे का आउटलुक के लिए। तो आगे क्यों आप, क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट में आपको पता होना चाहिए मार्केट आगे का आउटलुक देखता है कि कंपनी कैसे परफॉर्म करेगी आने वाले समय में। तो यहाँ पर क्लियरली सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं, सिक्योरिटी सेंटर्स बना रहे हैं, डाटा सेंटर बना रहे हैं, और इसके चलते हुए इन्होंने डाटा इंटेलिजेंस डाटा सेंटर बनाया है। आगे चलकर इंडिया में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होगी, इसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ रहेगी, तो ये एक
अच्छा पैरामीटर है आपको अपना लॉन्ग टर्म के अगर देखना है। जैसे जैसे इंडियन गवर्नमेंट रूल पास करेगी कि इंडिया का डाटा लोकलाइज होना चाहिए सिमिलरली जैसे यूएस में, यूरोप में, यूके में है, तो इन डाटा सेंटर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और यहाँ से रेवेन्यू बहुत ज़्यादा प्रोवाइड होगा, इसके पास ऑलरेडी सिक्योर डाटा सेंटर अवेलेबल है। फ्यूचर वैल्यू अनलॉकिंग हो रही है करंट लेवल पर, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया रिकमेंडेशन है हमारी तरफ से। रेवेन्यू पर यूज़र जैसे जैसे धीरे धीरे सब कंपनीज, अब देखिए जियो ने मार्केट को एकदम ड्रॉप डाउन कर दिया था एज़ फार एज रिवेन्यू इज़ कंसर्न अपनी परसेंटेज बढ़ाने के लिए, पर अब आपको देख रहे हैं परसेंटेज तो बढ़ गई है पर वहाँ से रिवेन्यू सब लोग नहीं जनरेट कर रहे हैं, लोग बागों को समझ में आ रहा है वैल्यू ऑफ मनी और वो लोग अब वापस इन कंपनीज के पास आ रहे हैं जो अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो रिवेन्यू पर यूज़र आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, एयरटेल जियो इतना ज़्यादा नहीं करके रख सकता है डाउन प्रेशर, क्योंकि अब उसके पास प्राइवेट इक्विटी का सेल कर चुका है, तो वहाँ से पैसे बोलेंगे दिखाओ भाई पैसा कितना कमा रहे हो, तो उस हिसाब से उनको रेवेन्यू अच्छा जनरेट करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम देखे जाए इसकी वैल्यूएशन, तो क्या अंडर वैल्यू है, क्या फेयर वैल्यू है, क्या ओवर वैल्यू, उसके बेसिस पर अगर देखें तो अंडर वैल्यू वो रेंज है जहाँ पर अगर आपको मिलता है तो आपको अच्छे से खरीद के इसको अपने पास रख लेना चाहिए लॉन्ग टर्म की होल्डिंग के लिए। 350 के नीचे कभी भी मिले तो वो अंडर वैल्यू है हमारे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली, वहाँ पर आपको बहुत अच्छी खरीदने की पैरामीटर है। फेयर वैल्यू है जो अगर आपको ज़्यादा टाइम वहाँ पर स्पेंड करेगा, 380 से लेकर 530 की रेंज है जो फेयर वैल्यू है, अभी फेयर वैल्यू में ही है। और ओवर वैल्यू वो रेंज है अगर कभी वहाँ पर होता है तो प्राइस ड्रॉप होगा वहाँ से, इस बात का ध्यान रखिए, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं 640 के ऊपर इस क्वार्टर के बेसिस पर, ये एक ओवर वैल्यू रहेगा हमारे हिसाब से, तो आप उसके हिसाब से अपना पोर्टफोलियो डिसीजन सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ एक बार लाइक बटन दबाना अगर इन्फॉर्मेशन समझ में आती है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ कंसल्ट फाइनेंशियल एडवाइज़र। और अगर टारगेट की बात की जाए तो आने वाले समय में 860 से 900 का टारगेट रहेगा 3 साल के लिए इस स्टॉक में, तो यहाँ पर बहुत बढ़िया वैल्यू अनलॉकिंग हो रही है आपकी रिटर्न के रेफरेंस में अगर देखा जाए तो। अपना समय देने के लिए धन्यवाद, और आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली ये 4 वीडियो है जो आप देख सकते हैं। अगर कोई वीडियो पसंद नहीं आए कोई बात नहीं, कमेंट में बताइए, हम वीडियो बनाने के लिए तैयार हैं, और साथ ही साथ में आपके लाइक्स और डिसलाइक के बेसिस पर ये वीडियो आए हैं। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो, बाय गाइस।